वाइफ शेयरिंग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अन्य। वाइफ शेयरिंग मतलब एक दूसरे की वाइफ को अदला बदली करना, एक दूसरे के वाइफ के साथ में सेक्स करना, वो एक्टिविटी, और उसमें चार लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो हस्बैंड दो वाइफ्स। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा कोई मतलब दूसरी कोई वाइफ इन्वॉल्व न होते हुए कोई व्यक्ति अपने वाइफ को दूसरे के साथ में सेक्स करते हुए देख के फिर अराउज होता है। मतलब मेरे पास में ऐसा पेशेंट आया था, पति पत्नी दोनों आए थे, और दोनों का प्रॉब्लम ये था कि भाई ये पति जो है ये अपने वाइफ को दूसरे के साथ में सोते हुए सेक्स करते हुए पहले देखता है, मतलब करने देता है, अलाउ करता है, उसमें उसको पहले बहुत मज़ा आता है, और बाद में फिर वो आदमी निकल जाने के बाद में ये आ जाएगा, बाद में ये सेक्स करेगा, और ये नहीं किया तो वाइफ को मारेगा, पीटेगा, ठोकेगा, जो भी है करेगा। ये वॉयरिज्म का एक पार्ट है, वॉयरिज्म। और वॉयरिज्म में ऐसा है कि इसमें कि स्पेशली मेल्स जो है वो सेक्सुअली अराउज तब होते हैं कि जब वो कोई लेडी को कपड़े उतारते हुए देखते हैं, एकदम नेकेड देखते, नंगा देखते हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, और फिर उनको उसमें बहुत एक्साइटमेंट आता है, और बाद में फिर वो उसमें सेक्स कर सकते हैं, या उनको उसमें उतने में ही मज़ा आ जाता है देखने में, और उनको जैसा सेक्स करने इतना मज़ा उसमें आ जाता है। तो एक तो वो वायरिज्म ही करेंगे, मतलब सिर्फ देखेंगे उसमें मज़ा करेंगे, या फिर जैसे मैंने बताया पेशेंट का कि वो पेशेंट पहले अपने दोस्त को बुलाएगा, उसको करने लगाएगा, बाद में उसको भेज देगा, बाद में ये जाके करेगा, तो ये भी एक पार्ट वायरिज्म का हो गया। वाइफ शेयरिंग में और एक पार्ट होता है कि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी लोग कर सकते हैं कि भाई अपने वाइफ को तैयार करना, और मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो आता है आदमी वो कुछ पैसे देगा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं और कोई बेनिफिट होंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने बॉस को अलाउ करते हैं वाइफ शेयरिंग के लिए, क्योंकि बॉस से अपने को कुछ प्रमोशनल मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, जो भी कुछ है, तो वो बॉस को अलाउ करते हैं वाइफ शेयरिंग में। खुद को ज़रा उसमें मतलब वायरिज्म तो एक पार्ट आएगा, इसमें बेनिफिट होगा, मॉनेटरी बेनिफिट है, अदर के बेनिफिट है, या फिर वाइफ शेयरिंग में दोनों हस्बैंड दोनों वाइफ ने शेयर करना, क्योंकि अपने को चाहिए कुछ तो भी नया, बोर्डम आ गया हुआ है, चारों को बोर्डम आया हुआ है, तो चारों को बोर्डम आया हुआ है, चारों की कंसेंट है और वो स्वैप कर रहे, तो एक भी वो भी कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लर्निंग न्यू थिंग्स एक कारण, कि भाई अलग और किसी के साथ में आप सोते हैं तो अलग सेक्स के तरीके, अलग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, अलग तरह का एक ज्ञान सेक्स का, ऐसा भी पाने के लिए लोग वाइफ शेयरिंग करते हैं और उसमें एंजॉय करते रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार है वाइफ शेयरिंग के। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। मैं इसमें जाऊंगा नहीं कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, क्योंकि होते रहता है, सिर्फ बाहर आते नहीं रहता है, बाहर लोगों को कल्चरल एक्सेप्टेड नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए, और ये आउट इंटीग्रिटी है। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।